अयोध्या वासी राम दशरथ नंदन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सियाराम जय बजरंगबली जय सियाराम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरोः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद श्री रामचंद्र रघुपुंगव वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सियाराम। तो कल हमने क्या किया, किष्किंधा कांड चल रहा है। अब कल श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए थे। हनुमान जी फिर उनको लेने आए, उनकी परीक्षा लेकर कि ये कौन है। तो उन्होंने आपस में पहचान लिया, तो सुग्रीव से मित्रता हुई भगवान की। और सुग्रीव ने बाली के साथ उनका क्या द्वंद है उसका रहस्य बताया कि किस कारण से वो शत्रु बन गए और किस तरह से बाली उनको तंग कर रहा है। और सुग्रीव ने सीता माता के बारे में बताया कि उन्होंने वस्त्र का टुकड़ा गिरा दिया था जाते हुए और वो अवश्य मिल जाएंगी। इस तरीके से सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मानकर करवाई। अब आगे, जिनके असी मति सहज न आई ते सठ कत हठि करत मिताई कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटई अवगुण नहीं दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सुग्रीव को। उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई बल अनुमान सदा हित करई विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत या श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कहम मृदु बचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित अहि गति समभाई अस को मित्र परिहरहे ही बलाई। जो सामने, यानी कि अब श्रेष्ठ मित्र के बारे में बता रहे हैं भगवान कौन होते हैं। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। मूर्ख सेवक कंजूस राजा उल्टा स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, यानी कि तुम्हारी सहायता करूँगा, ऐसा श्री राम जी सुग्रीव को आश्वासन दिला रहे हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा बाली महाबल अति रणधीरा दुन दुबी अस्थि ताल देखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए,
बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंधुबी राक्षस की हड्डियां और ताल के वेश दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम से ढा दिया। देखी अमित बलबाढ़ी प्रीति बाली बधब इन भई परती, बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई, यानी कि उसे विश्वास हो गया कि श्री राम भगवान है और ये कुछ कर सकते हैं हम, और उन्हें विश्वास हो गया कि बाली का वध ये अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपामन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरी करी हूँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी ही सेवा करूँगा। ए सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक, सत्तु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। क्या मतलब हुआ? जिसके पास सुख संपत्ति होगी उसे भगवान याद ही नहीं आएगा, ये कह रहे हैं ऐसे। तो जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा, सपने जे ही सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उसे क्यों लड़ा। सुग्रीव को ज्ञान आ गया। अब ज्ञान क्या आ गया? कि बाली मेरा परम हितकारी है। क्यों है? क्योंकि उसी की वजह से मैं परेशान हूँ, मैं दुख संकट में हूँ, और जब दुख संकट में इंसान होता है तभी भगवान की शरण में जाता है। तो अब सुग्रीव श्री राम की शरण में आ गए हैं, कह रहे हैं कि बाली की वजह से ही हुआ है ये। तो अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, तब सब तज भजनों करो दिन राति, सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले भी हंसी रामू धनुपानी। हे प्रभो, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले। वो वैराग्य क्षणिक था, ऐसा श्री राम जी को मन में लगा। जो कुछ कहे हु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मरीषा न होई, नट मरकट इव सब ही नचावत, रामु खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राजा मिलेगा। काक भुशुंडू जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट के बंदर की तरह, यानी कि मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं बात कि काक भुशुंडू जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं और हम एक्चुअल में शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव जी पार्वती माता को सुना रहे हैं। तो बंदर की तरह श्री राम सबको नचाते हैं, इसका मतलब क्या है? कि श्री राम ही प्रारब्ध रचते हैं सबका, कि सबके साथ क्या क्या होगा, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। तो लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सहायक गही हाथा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर जे सिजाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझा, सुनुपति जिन्ह ही मिलेउ सुग्रीवा, ते दौ बंधु तेज बल सीमा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीती सकही संग्रामा, वे कोसलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हौं सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, यानी कि अपनी पत्नी को कह रहे हैं ऐसे,
श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा, यानी कि परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, त्रिन समान सुग्री वही जानी, भिरे उभव बाली अति तर्जा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोरी यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे उसो, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। अब यहाँ पे एक बात आती है मेन इम्पोर्टेंट, आपने सीरियल में भी देखा होगा, टीवी पे, रामायण में भी, कि श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं पहचान नहीं पाया तुम दोनों भाइयों को, तुम्हारी शक्ल एक जैसी है। पर ऐसा क्या हो सकता है कि भगवान किसी को पहचान ना पाए? भगवान ने ही तो उनको रचा है, तो भगवान उनको कैसे नहीं पहचान पाए? अगर भगवान उनको पहचानते हैं तो भगवान ने पहली बार में वाली को क्यों नहीं मारा? उन्होंने बहाना क्यों बनाया एक जैसी शक्ल होने का? इसका उत्तर यह है कि पिछले कुछ कर्म होते हैं जिनकी सजा अभी बाकी रहती है। सुग्रीव के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे तो जो पिछले कर्म होते हैं उनका दंड भुगतना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि सुग्रीव के कुछ कर्म बाकी रह गए हों कि उसे थोड़ा सा दंड भुगतना था, पर श्री राम जी ने उसको काफ़ी आसान बना दिया, तभी श्री राम जी ने सुग्रीव को पिटने दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि श्री राम जी पहचाने ना बाली को, ये तो एक मतलब मूर्खों वाली बात हम कह सकते हैं, अज्ञानवश बात कह सकते हैं हम। तो हमें कर्मों का बदला चुकाना पड़ता है, चाहे भगवान भी हमारे साथ हो, पर भगवान उसे आसान बना देते हैं, जैसे सुग्रीव के लिए आसान बना दिया। भगवान मिल गए और सुग्रीव को जरा सा हाथ लगाया और सारी पीड़ा दूर हो गई। अब सुग्रीव के जितने कर्म कटने थे वो कट गए, अब बाली मारा जाएगा। तो अगली बार भी माला पहन के आएंगे दोनों, दिख तो सेम ही रहे थे तब भी, लेकिन फिर भी भगवान ने बाली को अब मार दिया, क्योंकि सुग्रीव के कर्म साबित कट चुके थे। तो मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनी बल देई विशाला, पुनी नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहीं रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की ओर आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव कर हिया हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हरि के माज सर तानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। और दूसरा कारण यह भी है, श्री राम जी मानव लीला कर रहे थे, अगर वो मानव की ताकत से, मानव की बुद्धि से ऊपर कुछ करें तो सबको पता चल जाता है कि ये मानव भगवान है ये, पर श्री राम उसे छुपा रहे थे क्योंकि वो मानव रूप में अवतरित थे। तो परा बिकल महिसर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चिताई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीना, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चिताई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उसके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना, उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री रामचंद्र जी की ओर देख कर बोला, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि ब्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा, मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ किस दोष से आपने मुझे मारा? अनुज बदु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधें कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख,
सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। तो मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करसी नकाना, मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चह सिर अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंतकाल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश पर सेउ निज पानी, अचल करौ तनुरा कहूँ प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही सम गति अविनाशी। मुनि गण जन्म जन्म में यानी कि प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं यानी कि मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के समान आ गए हैं। हे प्रभो, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही, जिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहु कपावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहउ राखु शरीर ही, अस कवन सठ हटि काटी सुरत रूबारी करी ही बबू रही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। बाली कह रहा है कि जो बिल्कुल ध्यान में मग्न रहते हैं ऋषि मुनि, उनके भी मुख से मृत्यु के समय आपका नाम नहीं निकलता, पर मेरे मुख से निकल गया है आपकी कृपा से, तब मैं क्यों ना अपने प्राण त्यागूं, ये तो बहुत ही अच्छा अवसर मेरे को मिल गया है, ऐसा बाली कह रहा है। उसको ज्ञान हो गया था, आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबुर के बाड़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलोकहु देहु सो बरमागौं, जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तहां राम पद अनुरागौं। यह तनय मम सम बिनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर अनाह आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, मुझ अब आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन तनु त्याग, सुमन माल जिमी कंठ ते गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने, यानी कि बड़ा इजीली बिल्कुल आसानी से बाली ने प्राण छोड़ दिया अपने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि बाली ने बड़ी आसानी से प्राण त्याग दिए, जबकि सबको पता है कि मृत्यु के समय कितना कष्ट होता है, कितने कई बिच्छू कई हजार बिच्छुओं के काटने से जो दर्द होता है वो मृत्यु के समय होता है, तो इतना दर्द बाली को नहीं हुआ, वो तो बड़ी आसानी से उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए अगर कोई प्रभु का भक्त है तो भी उसको मृत्यु के समय प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता, और बाली के सामने तो साक्षात भगवान श्री राम खड़े थे, तो उसको किस प्रकार का दर्द, उसको तो पता भी नहीं चला कि कब प्राण चले गए। तो इसलिए प्रभु की भक्ति में ध्यान देना चाहिए ताकि अंत समय में
आसानी से प्राण निकले और प्रभु की भक्ति में ही निकले, ताकि बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना फंसना पड़े। तो श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लिनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया यानी कि अज्ञान हर लिया उसका। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पांच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। अधम बोला गया है, सबसे नीच चीज होती है जो शरीर, उसको रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिनहेसी परम भक्ति बरमागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत रामु गोसाई, तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। यहाँ पे लाइन आई, शिव जी उमा को बोल रहे हैं, यानी कि शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। हम वही कथा पढ़ रहे हैं जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, और जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि ने आपस में सुनाई थी, यानी कि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को सुनाई थी और शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, और शिव जी से ही काकभुशुंडी ने सुनी और काकभुशुंडी गरुड़ को सुना रहे हैं। हम वही कथा पढ़ रहे हैं। राम कहा अनुजही समझाई, राज देहु सुग्रीव वही जाई, रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। श्री राम जी ने अब लक्ष्मण को कहा था कि सुग्रीव जाकर राज्य दे दो, मतलब अब बाली तो मारा गया तो उनके राज्य में और कोई ऐसा नहीं लगा श्री राम जी को कि जो उसका राज्याभिषेक कर सके। बाकी लोग तो सब सुग्रीव के साथ ही थे बाली के अलावा, तो अब लक्ष्मण जी को यह संभालना था, ये बात उनको संभालनी थी। श्री राम जी ने उनको वचन दिया था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तो अपनी तरफ से लक्ष्मण जी को भेजा उनका मस्तक तिलक करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए। तो लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजू दीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ युवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वारत लागी कर ही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में, मतलब शिव जी कह रहे हैं कथा सुनाते हुए पार्वती को, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराउ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। अब शिव जी ने ऐसा क्यों बोला कि सब स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे प्रीति करते हैं पर श्री राम नहीं? इसका कारण यह है कि श्री राम जी ने तो सब कुछ बनाया है और हम जो भौतिक लोग होते हैं वो स्वार्थ के लिए प्रीति क्यों करते हैं कि हमें पदार्थ चाहिए, मटेरियल लाइफ चाहिए, हमें खेलने के लिए फ़ोन चाहिए, कारें चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, ये सब चीज़ें, इसलिए हमें स्वार्थ हो जाता है। लेकिन भगवान को ये सब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उनको कुछ भी चाहिए तो खुद बना सकते हैं सब कुछ, उनको किसी की जरूरत नहीं है। तो भगवान को इसलिए निस्वार्थ प्रीति होती है, जो भक्त होता है भगवान का उनसे निस्वार्थ प्रेम होता है, लेकिन आम मनुष्यों को देवताओं को नहीं होता, ऐसा शिव जी बता रहे हैं। तो बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु ब्रन चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव किन कपिराउ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहर ही, काहे न विपति जाल नर पर ही, उन्हीं सुग्रीव वही दीन बोलाई, बहु प्रकार निरपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी।
अब उनको राजा तो बना दिया, पर उनको सिखाना भी तो था कि राजा कैसे चलता है। तो श्री राम जी कोई काम अधूरा नहीं करते हमारी तरह, वो तो पूरा करते हैं अपना काम, पक्के काम होते हैं भगवान के। तो कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाऊं दस चारी बरीसा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा, ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हरिजन धरेहु मम काजू, जब सुग्रीव भवन फिर आए, रामु प्रबर्शन गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राजा करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना, उनका काम सीता माता को ढूंढना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखे रुचिर बनाई, राम कृपा ने की कछु दिन वास करी हिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना रखा था, उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। वैसे भी जब भगवान अवतरित होते हैं तो पहले ही अपने सभी सेवकों को आज्ञा दे देते हैं पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए, ताकि वो उनकी सहायता कर सकें और वो खुद भी आनंदित हो सकें। और भगवान को सहायता की जरूरत नहीं है, पर वो उनको आनंदित करना चाहते हैं भक्तों को एक्चुअल में, इसलिए उनको पहले ही अवतरित होने के लिए बोलते हैं और उनके थ्रू बहुत से सारे काम करते हैं, उनके माध्यम से काफ़ी सारे काम होते हैं। जैसे अब सुग्रीव को इस चीज़ का एक कहते हैं सुग्रीव को बीच में लेना था रावण को मारने के लिए, उसको उसका श्रेय दिलाना था, इसलिए उनको पहले से ही बोल दिया जाता है कि तुम अवतरित हो जाओ धरती पे। अब तो सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। सुंदर वन कुसुमित अतिशोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से, मधु क्या शहद, उसके लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई, यानी कि बहुत सारे हो गए। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहां अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनु धरी देवा, कर ही सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देख कर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भोरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे, यानी कि देवता भी प्रभु की सेवा करने के लिए अलग अलग रूप बनाकर आने लगे, कोई मुनियों के रूप में, कोई पक्षियों के रूप में, कोई पशुओं के रूप में। अब हनुमान जी भी तो भगवान की सेवा के लिए आए हैं, हनुमान जी वास्तव में कौन है, शिव शंकर, शंकर हैं वो जो भगवान की सेवा करना चाहते थे और आनंदित होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान के रूप में अवतरित होना पड़ा। तो मंगल रूप भयउ बन तबते, किन निवास रमापति जबते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख असीन तहां दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्वटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भक्ति वृत्ति नृप नीति विवेका, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाई। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण नाचत बारिद पेखी, गृह वृत्ति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देख कर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देख कर हर्षित होता है। घन घमंड नब गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं, प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं, जबकि मन डर नहीं रहा था पर मानव लीला कर रहे थे वो, तो ऐसा बोलना पड़ा। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नव ही बुद्ध विद्या पाए, बूंद अघात सह ही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है।
बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। तो ये क्या वार्तालाप हो रही है कि वहाँ का जो मौसम हो गया था सुहावना, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सियाराम। जय सियाराम, 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 जय सियाराम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सियाराम।